ये भैया एक बच्चा भाई को अपनी तरफ से बड़ी खुशी से मैं गिफ्ट दे रहा हूँ जी, ठीक है। और भाई ने मतलब बाजी जीती है और काफी बार हमसे कबूतर भी लिए हैं, स्पेशल आज मिलने भी आए हैं, तो ये बच्चा दिया भाई को, तो कैसा लगा भाई? भाई ने गिफ्ट दिया भाई, ये बच्चा ये देख भाई से मिलने है, भाई ने गिफ्ट दिया भाई, ये लाल बच्चा दिया जी, धन्यवाद नस्लों में से। मैंने कि भाई चलो कोई नहीं, अपने कबूतरबाजी का क्या है, देखो भाईचारा अपना बना रहे, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आसिफ चौधरी। दोस्तों ये आकाश भाई आए जी खतौली से, और ये इनके दोस्त हैं सूरज। राम राम भाई, सारे भाई को राम राम भाई। तो दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो में मेरी जिक्र कर, मैं करता रहता हूँ, आकाश खतौली के बच्चे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तीसरी बार गए हैं, चौथी बार गए हैं। तो ये हैं वो जी आकाश भाई, जिनके पास आज चौथी बार बच्चे जा रहे हैं, ये लेने आए हैं। अब से पहले तीन बार इन्हों के घर पे ही हमने डिलीवरी करवाई थी आकाश भाई। तो ये बताओ डिलीवरी में पहले कुछ आपको दिक्कत लगी, कभी कबूतर लेट पहुंचे हों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो आप अपने मुंह से ही बताएं कि कितनी बार पहुंच चुके हैं आपके पास कबूतर? आपसे पहले तीन बार बच्चे पहुंच चुके, उनमें बीच में बड़े कबूतर भी गए और चौथी बार आज लेने आए। बड़े के दो जोड़े गए थे आपके, तीन जोड़े गए? तीन जोड़े बड़े गए थे आपके पास में, और चौथी बार में आप जा रहे हैं, आपके पास चार बच्चे। तो ये वाले जो मेरे वाले कबूतर आपके पास गए थे, रिजल्ट क्या रहा था, ईमानदारी से बताना, कि घर पे आपने कितने घंटे उनको उड़ाया था? बच्चों का भाई, इनका बड़ों का, दोनों का ही बताओ, जो भी कबूतर गए हैं, मतलब बच्चे बड़े। नहीं, बड़ों का तो भाई अच्छे रिजल्ट है, हमने अपने गांव में बम्बई में बाजी उड़ाई थी टूर्नामेंट, मुंबई में। हाँ, अच्छा, पनवेल के अंदर सुखापुर। अच्छा, तो अपना कबूतर आपके भाई के इधर से बच्चे गए थे, उनमें अपना फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट लगा था उसमें आपका जो है। अच्छा, वैसे जो और बच्चे थे वो कितने घंटे घंटे आपने घर पे उड़ा लिए थे? घर पे 11:30-11:30 घंटे उड़ा लिए, मतलब शाम शाम तक की परवाह दी थी, बिल्कुल बढ़िया 10-11 घंटे उड़ रहे थे। अच्छा, ये बात मेरे को जबरदस्ती तो निकलवा रहा तुमसे? नहीं, बढ़िया होती है। अगर किसी भाई को डाउट हो बम्बई के अंदर, मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में पनवेल। हाँ, भाई आके देख सकता है। अच्छा, तो मुंबई आप काम करते हैं लेकिन शौक भी करते हैं वहाँ पे? अच्छा अच्छा, रहने वाले आप खतौली के हैं, यूपी के। तो आज आपको चार बच्चे दे रहे हैं, विश्वास से दे रहे हैं जी, है। तो ये कहते हैं जी दोस्तों के, आसिफ भाई आप पे विश्वास है, जैसा आप दोगे अच्छा दोगे। तो और कुछ कहना चाहते हो लास्ट मैसेज आप? तो आप बताओ कुछ भाई साहब, सही बच्चे एकदम। अच्छा, आपने भी रिजल्ट देखा होगा कुछ जो है, इनके दोस्त ही हो आप भैया, डब्बा भी लाए जी, जो कह रहे हैं जी आसिफ भाई का मुंह मीठा करवाना है। भाई सबके भाई सब अच्छा रिजल्ट है, और सभी के दोरा भाई नस्ल बनवा रहे हैं। हाँ देखो, नस्ल कहना बहुत आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि नस्ल बनाने में भाई टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ये तो बात है। अब हमें देख लें, हमें भाई 7 साल हो चुके हैं इसमें लगे रहे हैं, लेकिन अब भी काम चल रहा है हमारे नस्लों के ऊपर। तो इतने डब्बा खोल रहा है भाई, इतने में हम आपको जो थोड़ा बच्चों का शौक करा देते हैं जी। तो ये बच्चे जा रहे हैं दोस्तों, चार बच्चे भाई के पास, बल्कि भाई को मुझे एक हफ्ते के बाद बुलाना था, फिर भाई के पास टाइम नहीं लगता, इसलिए बच्चे मैं थोड़े छोटे दे रहा हूँ, मैंने कि 4-6 दिन भाई हाथ से चुका ले इनको, तो काम सेट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये दो बच्चे ही हैं ललसरे जो बच्चे हैं, ये एक साथ के हैं दोनों बच्चे, और जो ये पीछे वाइट बच्चे हैं दोस्तों, ये दोनों एक साथ के बच्चे हैं। ये चैंपियन ब्रीड है दोस्तों, अब मुझे हर वीडियो में कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये वहाँ जीता है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, क्योंकि हमारे पास वही कबूतर हैं सारे जो हमारे चैंपियन रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब बाकी भैया मुंह मीठा करवा रहे हैं भैया थोड़ा, ठीक है भाई, ठीक है।